नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज का वीडियो है, 2 से 3 दिन का है, थोड़ा थोड़ा सा क्लिप निकाल लेती थी जब भी मन होता था, लेकिन कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पाती थी। तो ये 3 दिन का वीडियो है, तो ये शुरुआत हो रही है शुक्रवार से। सुबह का टाइम है, आज मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी और साथ में मैं बनाऊंगी पूरी। और बाहर मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, बारिश होने को है, मतलब बादल लगे हैं, हवा चल रही है बहुत तेज़। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का लंच तैयार कर दिया है, बच्चों को भेज दिया है स्कूल में। और ये देखिए, बच्चों के जाने के बाद मैं आपको व्यू दिखा रही थी। देखिए अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, लेकिन अंधेरा हो गया है पूरा और हवा चल रही है बहुत तेज़। तो ये देखिए, अभी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ मैं आपको, बारिश शुरू हो गई थी, बहुत ही अच्छी बारिश हुई है, गर्मी बहुत कम हो गई है, ठंड हो गई थी बारिश होने के बाद। तो अभी भी 2-4 दिन से लगातार बादल से हो ही रहे हैं, बारिश चली रही है, कभी बारिश हो जाती है, नहीं तो बादल तो हुए ही रहते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है कुल मिलाकर। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, यानी कि आज है सैटरडे और आज बच्चों का है हाफ डे। हर्ष तो आज स्कूल नहीं गया है, लेकिन रिया और नमन जाएंगे, तो उनके लिए मैंने बना दिए हैं नमक के जमे। बच्चों को पसंद भी आते हैं, और कभी कभी जैसे आज हाफ डे है तो आज ले जाएंगे, नहीं तो इनमें जैसे पेट नहीं भरता है, रोटी सब्जी में सही से पेट भरता है क्योंकि 3 बजे तक आते हैं, तो ज़्यादातर मैं रोटी सब्जी देती हूँ। तो लेकिन आज हाफ डे था तो मैंने नमकीन जमे दे दिए। बच्चों के जाने के बाद फिर इनकी छुट्टी थी आज, और हर्ष भी आज घर पे ही है, फिर मैंने बना दिया था कढ़ी चावल, क्योंकि रिया कई दिन से बोल रही थी मम्मी कढ़ी बनाओ कढ़ी बनाओ, तो फिर मैंने बना दिया। मैंने खाने के बाद खा लेगी, उसको कढ़ी चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सभी के फेवरेट होते हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पर मैंने बनाए थे पॉपकॉर्न, तो सभी बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। ये रात का टाइम है शायद, हाँ रात का टाइम। तो खाना वाना खाने के बाद फिर मन किया कि पॉपकॉर्न बना लो, बच्चे भी बोल रहे थे, तो फिर मैंने बना लिए। और देखिए सारे बैठ के खा रहे हैं, और नमन को बोल रही थी, मैंने कहा खा ले, नौटंकी कर रहा है सोने की, इसको नींद तो आ नहीं रही, पर वैसे ही बोल रहा कि होता ही है ना बच्चों की, बार बार बोलेंगे कि नमन खा ले नमन खा ले उसमें। तो नमन ने फिर खा लिए थे बाद में। और ये देखिए, ये है संडे का दिन, सुबह का टाइम है, बच्चे लेकर आए थे ब्रेड, तो यहाँ पर ब्रेड इंजॉय कर रहे हैं, और उसके पापा जो है इनको ब्रेड दिलवाकर फिर ड्यूटी के लिए निकल गए थे, तो यहाँ पर ये आ गए थे, आज संडे है तो जल्दी आ गए थे। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है मटर की रेसिपी। मैंने उस दिन वो 3-4 चीज़ें इकट्ठी बनाई थी, आपको पता ही है वीडियो डिलीट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अलग अलग से जैसे एक एक चीज़ बना के उसी की रेसिपी जो है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी मटर, तो बिस्किट जो है उसकी रेसिपी मैंने शायद दूसरे चैनल पर शेयर की है, और ये शायद दूसरे पे आएगी मुझे लगता है, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बना के ये सोच के नहीं डालती कि हाँ उस चैनल पे डालूंगी, जैसा भी मुझे ठीक लगता है, जैसे उस पे आज वीडियो डल गई तो फिर दूसरे पे डालती हूँ ऐसे एक एक करके। तो यहाँ पर मैं जो है मटर बनाने की तैयारी में लग गई हूँ, थोड़ा सा 2 कटोरी मैदे ले लिए, तो मैदे की ले ली थी, और उसके बाद थोड़ा सी अजवाइन, नमक और क्या डाला था, थोड़ी सी दही। तो यही सिंपल सी बनता है इसका आटा, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं डालना होता, और 1 चम्मच दही डाली थी, और 1-2 चम्मच घी की डाली थी मैंने। तो बस पहले आटा लगा के तैयार कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट आटे में, और 10-15 मिनट जो है इनको, नहीं उनमें तलने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि भी स्लो गैस करके तलते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। तो यहाँ पे फटाफट से लगा लेते हैं आटा और बना लेते हैं मटर। बहुत ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ऐसी ऐसी चीज़ें, और हमारे तो बच्चे खुश हो जाते हैं और बोलते रहते हैं मम्मी आज ये बनाओ आज वो। जैसे मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी, तो मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, मैं बोल रही थी, मैंने कहा दोबारा से रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो बच्चे खुश हो गए, तो डेली बोलते थे कि मम्मी आज बनाओ, आप बोल रहे थे कि मैं दोबारा बनाऊंगी, तो बच्चों को मतलब, और साथ के साथ ही ख़त्म भी कर देते हैं। तो आज मैंने आटा बहुत सारा लगा लिया है, मैंने कहा बहुत सारे बना के रख दूंगी, लेकिन फिर भी वही है, ख़त्म कर देते हैं बच्चे आते जाते, मतलब खाते रहते हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं खाने में।
तो यहाँ पर बस मैं आटा भी लगा लिया है। अभी थोड़ा सा इसको चिकनाई लगा के थोड़ा सा घी लगा दिया था मैंने बाद में भी एक चम्मच, और लगा के जो है 5 मिनट के लिए रख दिया था। तो बस थोड़ी देर रख देंगे ढक के, और ये देखिए तेल गरम हो गया है। और एक बार के मैंने बना के रख लिए, 4-5 लोई हो गई थी मेरी इतनी मोटी मोटी, तो यहाँ पर मैंने कुछ बना के रख लिए थे। तेल गरम हो गया है, मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे जैसे लोई बना के मैं तेल वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, बेलन से ऐसे ही थोड़ा सा बेल के, और जैसे भटूरा हाथ से नहीं बढ़ाते ऐसे बढ़ा देते हैं, और फिर उसकी जो है कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ज़्यादा ही बड़े बड़े पीस हो रहे हैं, बल्कि नमन को पसंद आते हैं कि मम्मी सबसे बड़े वाला पीस मैं लूँगा। बच्चों को अच्छा लगता है, बोलते हैं कि ये सांप है, ये वो है, मतलब अलग अलग नाम रख के खुश होकर खाते रहते हैं, बस बच्चों का यही चलता है अपना। और फिर अगली बार मैंने फिर छोटे छोटे करके टाले थे, काटे थे, मतलब बीच में भी एक कट लगा दिया था, छोटे छोटे जो है सिकने में भी ठीक रहते हैं। और जो है मैंने थोड़ा सा ही तेल ले रखा है कढ़ाई में रिफाइंड, और तो उसमें सही से तल जाते हैं। और गैस बिल्कुल स्लो करके रखनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर तेज होती है तो जल्दी हो जाते हैं, गैस स्लो करके थोड़े से कुरकुरे से हो जाते हैं ये। और तो बस मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने कट कर लिए है, और आटा यहाँ पर थोड़ा सा पतला हो गया था मेरे से, नहीं तो थोड़ा सा टाइट होता वो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन खैर ये बन गए और अच्छे बन गए थे। बाकी नमक अगर सही से हो ना, ज़्यादा ना हो, थोड़ा कम तो चल जाता है, और बाकी सब सही था वैसे। तो बस मैं फटाफट से बना लेती हूँ, और फिर बाद में नमन बोलने लगा, मम्मी गोल वाले बना के दिखाओ जैसे पूरी बनाते हैं। तो फिर बाद में मैंने उसके लिए 3-4 पूरी टाइप में बना दी थी, जैसे वो मठरी नहीं होती वो बना दी थी, उसका भी सेम यही आटा लगता है और ऐसे ही बनती है सेम, बस उसमें वो फोग लगा के थोड़े थोड़े छेद से कर देते हैं जिससे कि वो फूल लेना, और स्लो गैस पर ही पकानी होती है, तलनी होती है मतलब, और वो भी मठरी बन के तैयार हो जाती है। तो मैं बाद में थोड़ी सी वो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आटा खूब सारा लगा रखा है। तो बच्चों को जैसा पसंद आता है, मैंने कहा जैसा आप कहोगे वैसा मैं बना दूंगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी वो बनाई थी। फिर रिया देख के बोली, मम्मी है पूरी दी इसको, नमन को मुझे भी दो, क्योंकि उनको पता नहीं है मठरी है। तो फिर मैंने तीनों बच्चों के लिए जो है 2-2, 4-4 मठरी भी सेक दी थी इसी में, और वैसे ज़्यादातर मैंने यही बनाए थे मठरी, और अच्छे लगते हैं खाने में, और चाय के साथ इंजॉय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बाहर की नमकीन वगैरह लाते हैं, कई कई दिन की पैक हुई रहती है, इससे अच्छा तो अपना 5-10 मिनट में, 15-20 मिनट में मतलब ये बन के तैयार हो जाती है घर पे, ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ, और बाकी साफ सुथरा तो होता ही है, अपने हाथ से बनाते हैं। तो बस मैंने उस दिन 3 रेसिपी बनाई थी, और जो है बिस्किट और जो ये नमक पारे इनकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। अब रह गई है जलेबी की, तो देखती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो या आगे जब भी मैं बनाऊँगी, मतलब जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, जलेबी की जो है रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को इन्जॉय करते रहिएगा। बाकी ये बहुत आसान होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, बच्चे को भी पसंद आती है ये, और हमें भी मतलब बड़ों को भी सबको पसंद आती है, और चाय के साथ अच्छी लगती है, और घर पे जो है बना के तैयार कर सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, अगर कोई चीज़ घर पे बना के आसानी से जो है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और बाकी इसमें कुछ ऐसा जो मतलब कुछ खास है नहीं है बताने को, कि जो हम ना कर पाए, बहुत ही आसानी से जो है बन जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और मैं अगली न्यू रेसिपी में मिलूंगी आप लोग को, और अभी मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने लगा रखी है मशीन अभी वॉइस ओवर करते टाइम, और अभी मशीन बोल गई है तो मैं धोऊंगी कपड़े। अभी शाम का टाइम है, आज दिन क्या है, आज गणेश चतुर्थी है, और दिन है आज मंगलवार, तो मैं धो लेती हूँ कपड़े और वीडियो में लगा देती हूँ म्यूजिक। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, और हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वैसे तो मैंने दूसरे चैनल पर अलग से वीडियो डाल दिया है, आज हमने गणेश जी की स्थापना की थी वो वीडियो डाल दिया है, तो गणपति बप्पा मौर्या। तो बाय फ्रेंड्स।